ये फोन देखो, देखने में ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा फोन है, लेकिन इसको बनाने वाली कंपनी अपने हर एक कस्टमर को ये फोन नहीं, मेक इन इंडिया के नाम पे एक स्कैम बेचती है। इस कंपनी का नाम है आईकॉल और फोन को मैंने काट पीट के अच्छे से देखा है, जिससे कि इनके पुर्जे और इनकी करतूत दोनों बाहर आ गए। और इस सबके पीछे फ्लिपकार्ट भी उतना ही जिम्मेदार है जितने ये खुद है। तो आज हम इस स्कैम को एक्सप्लोर और एक्सपोज दोनों करेंगे। सबसे पहले पैकेजिंग, डब्बे पे मेक इन इंडिया दो जगह लिखा है, बाकी बॉक्स के अंदर फोन, केस, USB-C केबल, कागज वागज सब कुछ है। लेकिन एक बार जरा डब्बे पे स्पेक्स देखो, 16 मेगापिक्सल कैमरा, HD+ डिस्प्ले, 4+ 32GB की रैम रोम, ऑक्टा कोर, एंड्रॉइड 10 और एक 4000mAh की बैटरी। अब 6000 में तो क्या ही बुरा है इसमें, पर अगर मैं कहूं कि इसमें से आधी चीज झूठ लिखी है, तो दिखाने के लिए हम इसे एक बार ऑन करते हैं। और ऑन होने के साथ ही ये वॉलपेपर देखो, ये तो जाना पहचाना लग रहा है। अच्छा वॉलपेपर छोड़ो, ये तो पूरी UI ही जानी पहचानी है, ये तो वन UI है। और सिर्फ आइकन्स ही नहीं, सेटिंग्स, क्लॉक, कैलकुलेटर, कैलेंडर और मैसेजेस सब कुछ सैमसंग का है। अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाऊं, इसकी सेटिंग्स में आपको कुछ तो अजीब दिखेगा। 3 सेकंड दे रहा हूं, स्पॉट करके दिखाओ। 1, 2, 3, जिसने कर लिया अपने लिए ताली बजा लो, और जिसने नहीं किया वो लास्ट सेकंड ऑप्शन देखो। इसमें नॉक्स सिक्योरिटी है, नॉक्स सिक्योरिटी जो सैमसंग के फोन्स में एक्सक्लूसिव एक हार्डवेयर चिप लगी होती है सिक्योरिटी के लिए, वो है इसमें। मुझे तो लगता है मैं पागल हूं जो सिक्योरिटी के लिए ये पतली सी ईंट लेके घूमता रहता हूं। ये लोग इतने सस्ते में आपको फ्लैगशिप एक्सपीरियंस बांट रहे हैं, है ना। आईकॉल वालों, क्यों सैमसंग का नाम खराब कर रहे हो? एप्पल इस चीज के लिए कम बदनाम है जो तुमने अब वन UI को भी लपेट लिया। और नॉक सिक्योरिटी, भाई कॉपी तो ढंग से कर लो, वो नहीं दे सकते आप किसी फोन में। इवन अगर आप ये स्क्रीन भी देखोगे तो इसका टच फीडबैक इतना घटिया है कि कहीं भी क्लिक हो जाता है, कोई दीन मानी नहीं है। और मार्केटिंग में ये लोग लिख रहे हैं मल्टी टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन। अरे यार तुम मल्टी के मारो गोली, तुम सिंगल टच पे चल जाओ वही बड़ी बात हो जाएगी। और मैंने एक वियर्ड सी चीज नोटिस करी, जब आप इसकी स्क्रीन को साइड से देखोगे तो आपको इसके ऊपर दो लेयर्स नजर आएंगी, जैसे कि एक स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन चिपका रखी हो। अब या तो ये कोई फोल्डर होता है शायद, वो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर वो नहीं है तो पता नहीं ये कौन सी एडिशनल टेक्नोलॉजी इन्होंने चिपका रखी है। चलो ये सब छोड़ो, हम स्पेक्स देखते हैं क्योंकि सारा मजा यही है। जैसे कि आपने देखा कि इसके डब्बे पे एंड्रॉइड 10 लिखा है, अब सेटिंग्स में भी एंड्रॉइड 10 ही दिखाते हैं। इवन CPUZ जैसी ऐप से भी जब आप चेक करोगे तो वहां पे भी एंड्रॉइड 10 लिखा आता है, Amazon Flipkart पे भी एंड्रॉइड 10 लिखा है। पर पता नहीं क्यों मेरे को इनकी करतूतों पे भरोसा नहीं था, तो मैंने एक काम किया। जब आप किसी नए फोन में साइन इन करते हो तो क्या होता है, आपके पुराने फोन में ना एक प्रॉम्प्ट आता है, उसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन लिखा होता है। तो मैंने भी यही किया और मेरे पुराने डिवाइस में प्रॉम्प्ट भी आया, लेकिन वहां पे एंड्रॉइड वर्जन लिखा था एंड्रॉइड 8। इवन अगर हम सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके अपडेट्स में देखें तो यहाँ पे भी हमें दिखता है कि एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 ही है। तो ये CPUZ जैसी एप्स के ऊपर भी आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड्स कुछ ना कुछ करके इनके रिजल्ट्स को मॉडिफाई कर देते हैं। यानी कि एंड्रॉइड 10 का एक झूठ पकड़ा गया, डब्बे पे अभी 6 चीजें लिखी हुई हैं। आओ आगे देखते हैं। इन्होंने कैमरा कितना बोला था, 16+13 मेगापिक्सल। एक्चुअल में दिखाऊं कितना है, कैमरा ऐप खोल के सेटिंग्स में जाके जब हम पिक्चर साइज पे क्लिक करते हैं तो मैक्स ऑप्शन कितना लिखा है, 13 मेगापिक्सल। अब अगर 16 मेगापिक्सल होता तो ऑब्वियसली मैक्स रेजोल्यूशन कितना लिखा होता, 16 लिखा होता, कोई जानबूझ के कम रेजोल्यूशन क्यों देगा आपको। और फ्रंट कैमरा पे स्विच करके जब आप ये सेम चीज दोबारा करोगे तो मैक्स ऑप्शन कितना दिखा रहा है, 8 मेगापिक्सल। यानी कि कैमरा 13+8 का है, 16+13 का नहीं है। हाँ, लेकिन Amazon Flipkart पे ये चीज सही लिखी है कि कैमरा 13+8 मेगापिक्सल का है, डब्बे पे सब झूठ लिखा है। अब मैं आपको सबसे मस्त चीज दिखाता हूँ, डब्बे पे बोला है कि बैटरी 4000mAh की है, तो ऑब्वियसली मैंने ये चीज भी कंफर्म करनी थी कि इसकी बैटरी असल में कितने mAh की है। और वो करने के लिए मैंने क्या किया, फोन को पूरा खोल दिया। खोलने के बाद सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि बैटरी इस फोन के साइज की ही नहीं है, साइड में थर्मोकोल फंसा रखा है ताकि बैटरी चिपक जाए। अरे यार क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, ये कम से कम बैटरी तो सही से फिट कर लो। पर चलो, इसके बाद मैंने बैटरी उखाड़ के देखा और उसके ऊपर की एक लेयर निकालने के बाद जब मैंने देखा तो उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। जितनी मर्जी लेयर हटा दें आगे पीछे की, इसमें कुछ भी नहीं लिखा। यार MAH के मारो गोली, यहाँ देसी बैटरियां डाली जा रही हैं। और अगर मैं आपको ऊपर का ढक्कन खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि नाम के 3 कैमरा हैं, एग्जिस्ट एक ही करता है। अबे एक चीज तो पूरी ढंग से दे दो, थोड़ी तो शर्म कर लो आईकॉल वालों। शर्म से याद आया, साथ के साथ मैं यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट की करतूत दिखाता हूँ। देखो, फोन क्लेम करता है कि बैटरी कितनी है, 4000mAh। अब असल में देसी बैटरी है कितनी है वो भी नहीं पता, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके देखोगे तो वहां लिखा है 4000mAh। आप बोलोगे दिवांशु कंपनी ने जो बोला है उस हिसाब से तो फ्लिपकार्ट ने सही लिखा है, क्यों फालतू बकवास कर रहा है।
एक सेकंड यार, जरा नीचे आके डिस्क्रिप्शन देखो। एंजॉय लॉन्ग टाइम एंटरटेनमेंट विद 5000 mAh बैटरी दैट कम्स विद डिवाइस। एक जगह 4000 लिखा है, एक जगह 5000 लिखा है। और देखोगे ये देखो, यू कैन एक्सपेंड इट्स मेमोरी अप टू 128 GB विद मेमोरी कार्ड। ठीक है, लेकिन इसी में नीचे देखो, एक्सपेंडेबल मेमोरी 64 GB। और देखते हैं क्योंकि मेरे को मजे आ रहे हैं। नीचे देखो, सिम टाइप डुअल सिम, एक है नैनो और एक है ई सिम। समझ रहे हो ना, इसमें एक ई सिम लगती है। अगर और थोड़ा ढंग से देखेंगे तो हमें एक आधी चीज और मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट वालों ने ना एक फिल्म देख रखी है जिसका नाम है हम नहीं सुधरेंगे। मैंने भी सामने से देख रखी है, मैं सुधार दूंगा। अरे भाई, कम से कम टेक्स्ट को तो वेरीफाई कर लो कि कोई क्या लिख रहा है, कुछ भी छापे जा रहे हो। और फ्लिपकार्ट पे आईकॉल के सारे स्मार्टफोन्स के साथ यही दिक्कत है, सबकी डिस्क्रिप्शंस, फोटोज और स्पेक्शीट्स में फर्क है। तो यहाँ गलती का ठप्पा भी फ्लिपकार्ट पे ही लगेगा। एटलीस्ट अमेज़न पे ये सब कहीं नहीं हो रहा कि यहाँ कुछ और लिखा है, वहाँ कुछ और लिखा है। वो एटलीस्ट ऑर्गेनाइज तो है। चलो, अब इस सब के बाद आप मुझसे पूछोगे कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन इनके फोन लेता कौन है जो हम इनको एक्सपोज करके अपना टाइम खराब कर रहे हैं। सही बात है आपकी। तो चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। बाकी सब फोन्स को छोड़ो, ये एक फोन देखो, iCall Z90। iPhone 13 Pro वाला सफायर ब्लू है ये, और देखो ये बिल्कुल सेम उसी के जैसा दिखता है। अब YouTube पे जब आप iCall Z19 सर्च करोगे तो वहां पे आपको कुछ शॉर्ट्स मिलेंगे। ये शॉर्ट्स उन दुकान वालों ने बनाए हैं जो इस फोन को बेच रहे हैं, और इनके कमेंट्स अगर आप चेक करोगे तो लोग इस फोन का प्राइस पूछ रहे हैं। और कमेंट्स पढ़ के आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि ये सारे लोग इतना ज्यादा नहीं जानते फोन के बारे में, और ऐसे ही इनोसेंट लोगों को टारगेट करने के लिए ये कंपनीज ऐसे फोन्स बनाती हैं, ताकि शरीफ सीधे साधे लोग आएं और आईफोन के बहकावे में आके खरीद लें। तो अब आपको ये समझ आ गया कि सस्ता आईफोन दिखा के एक ठीक ठाक मार्केट बन ही जाता है, और ऑफलाइन में तो और बड़ा होगा। और ये वो कस्टमर्स हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, और उनको जब ये दिखाया जाएगा कि इस फोन के पीछे 3 कैमरे लगे हैं और ये दिखता भी आईफोन जैसा है, तो एक साधारण से बंदे को 5-6 हज़ार रुपए में और क्या चाहिए होगा। क्योंकि दुकान वाला उनको ये नहीं बताएगा कि सर इसमें दिख रहे हैं 3 कैमरे लेकिन एग्जिस्ट एक ही करता है। ऑब्वियसली वो ऐसा क्यों बताएगा किसी को। अब मुझसे पहले ज्ञान थेरेपी सर ने इन पे 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। तो उन वीडियोस के बाद क्या बदला इन्होंने, देखो फोन में तो इन्होंने कुछ नहीं बदला, लेकिन इनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो कुछ चेंजेस हैं। सबसे पहले तो इनको ये इतने मीठे मीठे रिव्यूज कौन देता है वो मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। लेकिन जीटी भैया की वीडियो के बाद इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस डाल दिया था कि इट हैज कम टू आवर नोटिस दैट अ लॉट ऑफ लोअर एमएएच बैटरीज बाय मिस्टेक हैव बीन पैक्ड With some of the iCall mobiles, यानी कि उनकी वीडियो में जो हमने 4000 mAh के नाम पे 2500 mAh की बैटरीज डाली थी वो गलती से डाली थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। जब जीटी भैया उन फोन को खोलते हैं तो उसमें 4000 mAh की बैटरी क्लेम की होती है, लेकिन उसमें 2500 की निकलती है, और वो होती भी चाइनीज है। और इस वीडियो के बाद ये क्या लिख देंगे कि हमने थर्मोकॉल भी गलती से डाला था, झूठे कहीं के। और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में भी कुछ लिखा है, अल्फा रेडियोस रिजर्व्स द राइट टू मॉनिटर ऑल कमेंट्स एंड रिमूव एनी कमेंट्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड इनएप्रोप्रिएट ऑफेंसिव और कॉजेस ब्रीच ऑफ दीज टर्म्स एंड कंडीशंस। अब समझे मीठे मीठे रिव्यूज कहां से आ रहे थे, ये लोग खराब रिव्यूज को खुद ही डिलीट कर देते हैं। और एक फनी चीज देखो, इन्हीं की वेबसाइट पे एक आर्टिकल भी है, कैन आई ट्रस्ट आईकॉल, जवाब के मारो गोली। ये देखो, कॉन्टेक्ट द मैन्युफैक्चरर और कैरियर, कॉन्टैक्ट करके देखते हैं। अरे ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा चलो रिफ्रेश कर लेते हैं। ओ फिर से एरर, शायद ट्रस्ट फीका पड़ गया। सो आइडियली यू कैनॉट ट्रस्ट आईकॉल। अब मैं मेक इन इंडिया सेंटीमेंट पे भी कुछ बोलना चाहूंगा, जिसको ऑफेंड होना हो जाओ क्योंकि उससे फैक्ट्स चेंज नहीं होंगे। देखो हम इंडियंस थोड़े से इमोशनल होते हैं, स्मार्ट डेफिनेटली होते हैं लेकिन इमोशनल तो हैं। तो कई बार हम इमोशंस की दीवार के बीच से धंधे के मोटिव को देख नहीं पाते। ये जितने भी मेक इन इंडिया वाले स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। इन्होंने पहले भी हमें चाइनीज फोन्स लाके बेचे थे और ये अभी भी सेम चीजें कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में रिसेंटली लोगों को चाइनीज ब्रांड से थोड़ी नफरत हो गई है बिकॉज ऑफ बॉर्डर टेंशंस एंड ऑल। और इस चीज का माइक्रोमैक्स ने बहुत फायदा उठाया था, और मैंने तब भी कहा था कि वो ये सब हीट ऑफ द मोमेंट में कर रहे हैं, क्योंकि उनको लोगों के देशभक्ति वाले इमोशंस के साथ खेलने का मौका मिल रहा था। मोटी मोटी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि चाइनीज ब्रांड्स बुरे हैं नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये जो इंडियन ब्रांड्स हैं जो लोगों के पेट्रियोटिक इमोशंस के साथ खेल के उनसे पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं
उससे घटिया स्कैम और कुछ नहीं। अब एक आखिरी बात जो मैं जनरली कभी नहीं बोलता, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। ये वीडियो आप ऐसे लोगों को दिखाइए जिन्हें ये सब जानने की जरूरत है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा, मेरे भले से चाहे डाउनलोड करके दिखा दो, बट एटलीस्ट दिखाओ। और अगर इंट्रोवर्ट हो तो लाइक और कमेंट करके भी आप वीडियो को पुश करने में हेल्प कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली जो भी आप कर सकें वो करें। और आईकॉल वालों, थोड़ा ढंग से धंधा कर लो यार। मैं तो आईफोन तक को नहीं छोड़ता, तुम तो फिर भी आईकॉल हो, थोड़ा तो सुधर जाओ। चलो जी, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।